Good morning, students. How are you? Fine. Now today we are going to read how we change singular number to plural number. Singular number to plural number by changing y into I and adding es. यानी कि जब किसी word में का आखिरी letter जो है y रहता है तो y जो है वो i में परिवर्तन हो जाएगा और उसके साथ में es जोड़कर हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं. ये ध्यान रखेंगे जब कोई वर्ड का आखिरी लेटर y हो तो, जैसे बॉडी, बॉडी में देख रहे हो स्पेलिंग क्या है, बी ओ डी y है, y इसका आखिरी लेटर है, y जो है ये i में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे es ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडीज. फ्लाई, फ्लाइज. स्टोरी, स्टोरीज. आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल देख रहे हो सभी क्या, जो आखिरी लेटर है वो क्या है, वाई है. तो ध्यान रहे कि वाई जब रहेगा आखिरी लेटर तो वहाँ पर क्या करेंगे. लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जब भी उसका आखिरी लेटर जब वाई होगा तो उससे पहले का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होगा. अगर वो वोवेल होगा तो फिर ये चेंज नहीं होगा. ओके, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि by adding es to nouns, मतलब कि जब किसी भी nouns ending in o, जब कोई word को हम लोग देखते हैं और उसका आखिरी letter वो हो, जब आखिरी letter वो रहता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में कुछ नहीं करेंगे, जो उसका spelling है same to same लिखेंगे और उसके साथ में सिर्फ es जोड़ देंगे. es जोड़ते ही वो singular से प्लुरल हो जाएगा. जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, यहाँ पे मैं जो भी उदाहरण आपको बताऊंगा वो सेम टू सेम है. जैसे बुफैलो, बुफैलो में हमने क्या देखा कि क्या आखिरी लेटर ओ है, यहाँ पर देखो ई एस ऐड कर दिया गया है, बुफैलोज हो गया. नेग्रो में देखिए इसका भी क्या है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, सिर्फ उसका ई एस हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया, नेग्रोज हो गया. तो ध्यान रहे कि जब कोई भी वर्ड का आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट में ओ हो तो उसके साथ में ई एस जोड़कर हम क्या करेंगे कि सिंगुलर से प्लुरल बना लेंगे. नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग द इंटरनल वोवेल्स, यानी कि उसके अंदरूनी कुछ लेटर को हम बदल देते हैं. जब इंटरनल वोवेल है तो वोवेल को हम लोग चेंज कर देंगे. जैसे उदाहरण एफ डबल ओ टी, फुट है, है ना, तो यहाँ पे वो जो है आप जानते हो वोवेल होता है, तो इसको इंटरनल में हम लोग चेंज करके क्या बना दिए, फिट बना दिए, तो ये क्या हो गया, फिट, है ना, तो ये सिंगुलर टू प्लुरल हो गया. यहाँ पे हम देख रहे हो टूथ है, तो इसमें डबल ओ जो है वो आपका क्या है, वोवेल है, इसको डबल ई करके टिथ कर दिए. यहाँ पे माउस को देख रहे हो आप, माउस है ना, तो यहाँ पर माउस को क्या कर दिए, आई बदल दिए, आई सी ई, माइस हो गया, माउस का इंटरनल वोवेल चेंज करके या माइस हो गया. ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें उसका आखिरी लेटर पूर्ण रूप से बदल जाता है, ई एन को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना, जैसे ऑक्स है, ओ एक्स ऑक्स, इसमें ई एन जोड़ देंगे क्या होगा, ऑक्सन हो जाएगा, है ना. चाइल्ड है, इसमें आर ई एन ऐड कर देंगे, ये चिल्ड्रन बन गया. तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम लोग ई एन जोड़ कर उसे सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं. कंपाउंड नाउंस बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड इनटू प्लुरल, इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए जो प्रिंसिपल वर्ड है उसी को हम लोग बदल देते हैं. जैसे कोट ऑफ मेल, यहाँ पे देख रहे हैं कोट ऑफ मेल, तो इसमें कोट जो है ये प्रिंसिपल वर्ड है, ये प्रिंसिपल वर्ड को बदलेंगे तो कोट्स हो जाएगा, तो कोट्स ऑफ मेल ये हो जाएगा. यहाँ पर आप देख रहे हो फिशर मैन है, तो ये मैन जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वर्ड्स में आ जाएगा, तो इसको मेन कर देंगे, फिशर मैन, ये आपका क्या हो गया. ठीक इसी तरीके से हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं. तो ये मैंने तीन चार स्टेप आपको बताया हाउ वी चेंज सिंगुलर टू प्लुरल. इन प्रीवियस क्लास आई ऑल्सो टोल्ड यू हाउ वी चेंज सिंगुलर टू प्लुरल, एंड नेक्स्ट क्लास आई विल ऑल्सो टेल्ड द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ चेंजिंग द रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लुरल.